फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंस्टमैक चैनल। आज हम तीन लाइट का एक प्रोजेक्ट साथ लेके आए हुए हैं, जिसके अंदर ये प्रोग्राम ऐसा है, सिस्टम स्टार्ट विद पुश बटन, येलो लाइट ग्लो विद 1 सेकंड, रेड लाइट हमने लिए 7 सेकंड्स के लिए, ग्रीन लाइट लिए 5 सेकंड्स के लिए, अगेन येलो लाइट होगा 1 सेकंड के लिए, अलर्ट के लिए, एंड कंटिन्यू अंटिल सिस्टम ऑफ विद द सेम पुश बटन। प्रोग्राम में देख लेते हैं, ये डेल्टा पी एल सी का ISP सॉफ्ट रिलेटेड लॉजिक डायग्राम है। इसमें हम लोग सबसे पहले एक स्टार्ट स्टॉप के लिए एक ही बटन यूज़ किया है, X0। X0 से हम स्टार्ट भी करेंगे और X0 से हम स्टॉप भी करेंगे। यहाँ पे एक ALTP M0 करके आउटपुट लिया हुआ है, नॉर्मल आउटपुट या सेट आउटपुट नहीं है ये। इससे क्या होगा, X0 का हम जो एक्चुअल पुश बटन होगा उससे तो ये ऑन का ऑन ही रहेगा, जब हम इसको दूसरी बार ऑन बटन को प्रेस करेंगे तब ये ऑफ होगा। मतलब एक ही बटन से हम स्टार्ट भी करेंगे, उसी बटन से हम स्टॉप भी करेंगे। इंस्ट्रक्शन एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, ALTP space M0, M0 Y0 एंड जो भी आपको मतलब कराना है। मैं अभी जस्ट बीट मेमोरी बीट के लिए ये M0 लिया हुआ है, क्योंकि उसको आगे मैं यूज़ करने वाला हूँ। फिर यहाँ से ये M0 मैंने यहाँ पे ले लिया है। अभी जब ये M0 मतलब मेमोरी बिट मतलब सिस्टम स्टार्ट होगा तब मैंने टाइमर लिया है T0 130 मिलीसेकंड्स, और उसको 130 मिलीसेकंड्स के बाद वापस उसको रिस्टार्ट करने के लिए मैंने इसका टाइमर का डन बिट लिया हुआ है। अभी मैंने तीन आउटपुट लिया हुआ है, Y0 रेड के लिए, Y1 येलो के लिए, Y2 ग्रीन लाइट के लिए। अभी सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा तो मुझे 1 सेकंड के लिए ये येलो लाइट चालू होगी, और उसके बाद मतलब ये 10 है तो 11 से ये लेस देन और इक्वल टू 10 तक, मतलब 10 तक 1 टू 10 तक Y1 रहेगा चालू। फिर मुझे 11 से 80 तक मतलब 7 सेकंड, 11 से 80 तक 7 सेकंड तक मुझे रेड LED चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 11 लेस देन और इक्वल टू 80 लिखा हुआ है। ये लिखता है हम लोग LD लेस देन और इक्वल टू T0 टाइमर का 80। सेम इसमें LD ग्रेटर देन और इक्वल टू T0 टाइमर का 11, ठीक है, ये Y0 रेड LED के लिए। और जब ये 80 खत्म होगा, रेड खत्म होगा, उसके बाद मुझे ग्रीन LED चाहिए, मतलब 81 से LD ग्रेटर देन और इक्वल टू 81 से ये स्टार्ट हो जाएगा Y2, और 130 के बाद वैसे भी ये 1 हो जाएगा, 130 के बाद ये 1 से काउंट करेगा। 1 सेकंड येलो चलेगा, 7 सेकंड रेड लाइट चलेगा, और 5 सेकंड ग्रीन लाइट चलेगा। तो ये टाइम को हम कितना भी चाहे उतना कर सकते हैं, उनसे लाइट को कब चालू किसके बाद चालू करना है और कितना टाइम तक रखना है वो हम लोग यहाँ पे टाइमर T0 में यहाँ पे हम लोग चेंज करके उसको जो भी हमको टाइमिंग रखना है वो रख सकते हैं। तो इसका टोटल टाइमिंग जो है वो हम लोग यहाँ पे कर देंगे, मतलब 1 सेकंड, 7 सेकंड, 5 सेकंड, टोटल 13 सेकंड हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 130 लिया हुआ है। प्रोग्राम को डाउनलोड कर लेते हैं, पहले हम लोग PLC को कनेक्ट कर लेते हैं। ओपन, ये ड्राइवर अभी स्टार्ट है, मैं इसको मैं आपको कॉन्फ़िगर करके बताता हूँ। ये COM3 के अंदर, मेरा कंप्यूटर का COM3 के अंदर इसको सेट किया हुआ है, DVP20X मैंने लिखा हुआ है, ड्राइवर का नाम मैंने दिया हुआ है। यहाँ से सिम्युलेटर में नहीं लिया, इस बार मैंने RS232422485 करके जो है वो उसमें लिया हुआ है। यहाँ से रखा हुआ है डेटा लेंथ 7, पेरिटी 1, स्टॉप बिट 2, बॉर्डर 9600। अभी मैं इसको ऑटो डिटेक्ट करूँगा, और मैंने नोट ID बना 1 PLC का 1 रखा हुआ है, तो 1 अभी मैं इसको ऑटो डिटेक्ट कर रहा हूँ। डिटेक्टिंग सक्सेसफुल, ओके, यहाँ पे ओके करके इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ। PLC लेडर प्रोग्राम के साथ अभी कनेक्ट हो गया, एक बार कंपाइल कर लेता हूँ, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ओके, अभी मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, यहाँ से डाउनलोड डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ से PC में से जाके, PLC में से जाके यहाँ से भी कर सकते हैं डाउनलोड ट्रांसफर। ये PC to PLC में प्रोग्राम डाउनलोड हो रहा है, PC to PLC। क्लोज,
अब मैं इसको ऑनलाइन चला जाता हूँ, मैं ऑनलाइन या मैं आ गए ऑनलाइन, स्टॉप लिख क्या हुआ। अब मैं पीएलसी को रन करता हूँ, हम देख सकते हैं पीएलसी रन मोड पे आ गया। अभी मैं पुश बटन से पहले स्टार्ट करके बताता हूँ। प्रोग्राम अपना चालू हो गया। सेम चीज़ आप रिले में भी देख सकते हो, ये भी रेड एलईडी का है 20, ये ग्रीन एलईडी का Y2 चल रहा है, और ये बीच में जो भी 1 सेकंड के लिए हुआ था येलो एलईडी का Y1। पीएलसी में भी हम लोग से देख सकते हैं इसको, ये ग्रीन एलईडी के लिए Y2, Y1 और Y0 रेड एलईडी के लिए। और ये अभी कंप्यूटर के साथ हमने RS-485 USB कन्वर्टर का केबल लगाया हुआ है, जिसके थ्रू भी कंप्यूटर के कॉम 3 के साथ ये पीएलसी कम्युनिकेट कर रहा है। अब देख सकते हैं कॉम 2, पीएलसी का कॉम 2, ये मैंने यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है। ये कॉम 1 है, ये वाला कॉम 1 है, ये कॉम 2 है। कॉम 2 का D+D- के अंदर मैंने RS-485 का कम्युनिकेशन किया हुआ है, रेड एंड ब्लैक वायर। अभी मैं इसको पुश बटन से बंद करता हूँ, ये प्रोग्राम बंद कर दिया मैंने अभी। अभी सेम चीज़ अगर मुझे प्रोग्राम से स्टार्ट स्टॉप करनी है, तो मुझे इसको ये जो सेट MPU है इसको मुझे एनेबल करना पड़ेगा। अभी मैं इसको एनेबल करूँगा तब पीएलसी के पुश बटन से ये वर्क नहीं करेगा। अभी आप देख सकते हैं मैं इसको स्टार्ट बटन को एक बार ऑन करके वापस ऑफ कर देता हूँ। अभी ये स्टार्ट का स्टार्ट ही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे LTP लिया हुआ है, एक ग्रीन एलईडी 5 सेकंड के लिए, 7 सेकंड, 1 सेकंड के लिए येलो एलईडी, और फिर 7 सेकंड के लिए रेड एलईडी। सेम चीज अभी प्रोग्राम में भी, एक्चुअल लाइट में भी चल रहा है। तो वायरिंग दिखा देता हूँ मैं, वायरिंग में कैसा है। मैं यहाँ पे पीएलसी के इनपुट के लिए मैंने सिंक वायरिंग का यूज किया हुआ है। सिंक मतलब NPN, सोर्स मतलब PNP वायरिंग। तो अभी पीएलसी के इनपुट के लिए, इनपुट में मैंने सिंक का वायरिंग की कैसे किया बताता हूँ मैं। 240 वोल्ट AC है, SMPS है। 240 वोल्ट AC हम लोग LNE के अंदर दे दिया, SMPS के 240 वोल्ट इनपुट सप्लाई में। वहां से 24 वोल्ट DC आउटपुट मेरे पास 3 कनेक्शन है, 3 पॉइंट से। मैंने अभी एक पॉइंट का यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया हुआ। माइनस मैंने सीधा S/S सिंक और सोर्स का जो पीएलसी का जो हमारा है उसके अंदर मैंने ले लिया है। और एक एक ही पुश बटन अभी यूज किया है मैंने, उसका प्लस सीधा पुश बटन में दिया, पुश बटन का दूसरा है मैंने X0 इनपुट में दे दिया है। आउटपुट के साइड मैंने क्या किया हुआ है, डेल्टा का ये पीएलसी, इसमें इनबिल्ट 24 वोल्ट DC है। ये इसको पावर दे रहे हैं, तब ये 24+ और 24G के अंदर 24 DC मल्टीमीटर में शो करेगा। तो यहाँ से 24 वोल्ट का प्लस मैंने सीधा कॉमन में दे दिया है, Y0, Y1, Y2 तीनों के एक ही कॉमन है, C0। फिर Y0 का आउटपुट मैंने रिले 1 का 1+ में दिया, Y1 का आउटपुट मैंने रिले 2 का 2+ में दिया, और Y2 का आउटपुट मैंने रिले 3 का 3+ में दिया, और 1-2-3- कॉमन करके सीधा इसमें 24 वोल्ट G ग्राउंड करके है, जो 0 वोल्ट है उसमें मैंने कनेक्शन दे दिया है। एक्चुअली मेरे पास जो अभी रिले मॉड्यूल है उसके अंदर माइनस कनेक्शन सारे कॉमन किए हुए हैं जम्पर से, और फिर रिले का आउटपुट जो है उसमें एक जगह पे मैंने सारे P1, P2, P3 सब में मैंने 240 वोल्ट AC का पावर दे दिया, और ये ओ मतलब NO कनेक्शन है और C मतलब NC कनेक्शन है। तो यहाँ से एक वायर लेके मैंने रेड एलईडी को दे दिया O1 का, तो रिले 2 का आउटपुट मैंने येलो एलईडी को दे दिया, और O3 मतलब रिले 3 का आउटपुट मैंने ग्रीन एलईडी दे दिया, और तीनों का एक एक कनेक्शन कॉमन करके मैंने न्यूट्रल में दिया। तो ये 240 वोल्ट AC डेंजरस है, इसको कनेक्शन करने के लिए आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, सेफ्टी लेके काम करना।
करना चाहिए, नहीं तो फिर किसी इलेक्ट्रिशियन से करवाए वो आप बेटर रहेगा सेफ्टी के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।